सबसे पहले हम लोग चैन बनाएंगे। जितनी चौड़ी गेट है चैन हम उतनी ही बनाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, चैन मैंने तैयार कर ली है। अब इन चैन्स में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। 3 एक्स्ट्रा चैन लेंगे। हर एक चैन में एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए इस तरह से हर एक चैन में एक एक डबल क्रोशिया हम बनाएंगे। फर्स्ट रो हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम इनको कट करेंगे। अब दूसरे रो के लिए मैं यहाँ पर ऊन का कलर चेंज कर रही हूँ फ्रेंड्स। दो चैन लेंगे। डबल क्रोशिया बनाएंगे। हर डबल क्रोशिया में एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे हम। इसी तरह इन पूरे डबल क्रोशियाओं में हम एक एक डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे, लास्ट तक कंप्लीट करेंगे बनाकर। फ्रेंड्स, ये राउंड भी कंप्लीट हो गया। यहाँ पर हम इस ऊन को कट करेंगे अब और वाइट कलर का ऊन ज्वाइंट करेंगे, पलटेंगे। एक सिंगल क्रोशिया देंगे। छह चैन लेंगे। एक दो तीसरे घर में डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर एक दो चैन, एक दो तीसरे घर में डबल क्रोशिया, फिर से दो चैन, एक दो तीसरे घर में डबल क्रोशिया। इस तरह से फ्रेंड हम ये पूरे तुरंत पट्टी को अपनी कंप्लीट करेंगे यहाँ तक। ये देखिए फ्रेंड्स, ये रो पूरा कंप्लीट हो गया है। पलटेंगे, फिर से 6 चैन लेंगे। डबल क्रोशिया में फिर से एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए 2 चैन लेंगे। फिर से 2 चैन डबल क्रोशिया के ऊपर, एक और डबल क्रोशिया। ये देखिए फ्रेंड्स, ये फर्स्ट राउंड हुआ, ये सेकेंड राउंड और इसके ऊपर एक थर्ड राउंड और बनाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये 3 राउंड हमारा कंप्लीट हो गया है। पलटेंगे, छह चैन लेंगे। एक डबल क्रोशिया, 2 चैन डबल क्रोशिया, इस तरह से हम 7 घर तैयार करेंगे। ये देखिए 7, 1 2 3 4 5 6 7 घर तैयार करेंगे। ये 2 चैन है, इनमें 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3, ये 4 हुआ। फिर इस गैप में 2 डबल क्रोशिया। ये देखिए टोटल 7 डबल क्रोशिया होगी। फिर 2 चैन डबल क्रोशिया, 2 चैन नेक्स्ट वाले में डबल क्रोशिया। इस तरह से 11 घर हम तैयार करेंगे।
ये देखिए 11 घर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 घर बाद फिर ये वाली 7 डबल क्रोशिया हम बनाएंगे, 1 2 3 ये 4 7। ये देखिए फ्रेंड्स, ये 7 डबल क्रोशिया के बाद 11 घर हैं, फिर 7 डबल क्रोशिया के बाद 11 घर होगा और ये फिर 7 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से हम पूरी पट्टी को कंप्लीट करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, राउंड पूरा कंप्लीट हो चुका है हमारा। पलटेंगे, फिर से 6 चैन लेकर डबल क्रोशिया, 2 चैन डबल क्रोशिया, इस तरह से हम यहाँ तक कंप्लीट करेंगे। ये देखिए 6 घर। इस तरह से हम 1 डबल क्रोशिया, बीच में 2 डबल क्रोशिया बनाई मैंने, फिर 1, इस तरह से हम पूरे को कंप्लीट करेंगे यहाँ तक। फिर 1 डबल क्रोशिया, ये दूसरा डबल क्रोशिया, फिर एक इसमें बनाएंगे, 1 ये डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया। इस तरह ये हमारी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 डबल क्रोशिया यहाँ पर बनेगी। फिर 2 चैन नेक्स्ट वाली में डबल क्रोशिया। ये देखिए इस तरह से हम यहाँ तक बुनेंगे और फिर इसमें 2 डबल क्रोशिया करके हम यहाँ तक 13 डबल क्रोशिया बनाएंगे, जैसे हमने यहाँ बनाई है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये देखिए इसी तरह से हम पूरी पट्टी को कंप्लीट करेंगे यहाँ तक। ये देखिए फ्रेंड्स, इसके बाद हम इसे पलटेंगे, फिर से 6 चैन देकर डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से हम यहाँ तक बनाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, फिर हम इस गैप में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये 4, टोटल 7 डबल क्रोशिया बनेगी। ये देखिए ये टोटल 7 डबल क्रोशिया, 2 चैन लेंगे, 1 छोर 2 छोर तीसरे में अटैच करेंगे, तीसरे में डबल क्रोशिया बनाई मैंने, 1 2 चैन, 1 2 तीसरे में डबल क्रोशिया। अब जिस तरह से इधर 7 डबल क्रोशिया बनाई है, हम यहाँ तक बनाएंगे 7 डबल क्रोशिया। ये देखिए फिर से 2 चैन डबल क्रोशिया, इस तरह से हम फिर यहाँ तक बनाएंगे यहाँ तक, और उसके बाद ये वाली डिजाइन बनाएंगे यहाँ। ये देखिए इसी तरह हम पूरी तुरंत पट्टी को तैयार करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये लाइन भी कंप्लीट हो गया, पलट कर मैंने यहाँ तक बनाया है। इस तरह से हम टोटल 7 डबल क्रोशिया बनाएंगे और ये 7। ये देखिए फिर 3 चैन लेंगे, 1 2 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे,
दो चैन लेंगे, फिर उसी में डबल क्रोशिया बनाएंगे, ये देखिए, फिर से तीन चैन लेंगे, यहाँ एक दो तीन चार चौथे में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, ये देखिए, फिर से सेम इसी तरह से सात डबल क्रोशिया यहाँ तक बनाएंगे, ये देखिए फ्रेंड्स, इसी तरह हम फिर यहाँ तक डबल क्रोशिया बनाएंगे, दो चैन डबल क्रोशिया, दो चैन डबल क्रोशिया, और यहाँ से हम फिर ये वाली डिजाइन बनाएंगे, इस तरह इस पूरे रो को कंप्लीट करेंगे, ये देखिए फ्रेंड्स, इसके बाद पलटेंगे, पलट कर यहाँ तक बुनेंगे, फिर इसमें डबल क्रोशिया बनाएंगे, ये देखिए पांच चैन देंगे, पांच, ये जो डबल क्रोशिया बनाई है हमने, इसमें डबल क्रोशिया बनाएंगे एक, और ये दो डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर से चैन देंगे, चार चैन देंगे, दो डबल क्रोशिया बनाएंगे उसी में, ये देखिए, फिर से पांच चैन देंगे, एक दो तीन चार चौथे घर में डबल क्रोशिया, और इस तरह से सात डबल क्रोशिया यहाँ हम बनाएंगे, ये देखिए, ये पैटर्न हम फिर यहाँ तक बुनेंगे तीन बार, एक दो तीन बार, और यहाँ से सात डबल क्रोशिया देकर ये वाली डिजाइन यहाँ बनाएंगे, और इस रो को कंप्लीट करेंगे हम, ये रो कंप्लीट हो चुका है, पलटेंगे, ये सात डबल क्रोशिया बुनेंगे, इस रो को हम छोड़ देंगे, तीन चैन लेंगे, डबल क्रोशिया बनाएंगे, यहाँ हम 14 डबल क्रोशिया टोटल बनाएंगे, तेरह और ये 14, यहाँ पर इस ऊन को कट कर कर हम यहाँ फंसा देंगे, ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह हम पूरी डिजाइन में बनाएंगे, ये पांच चैन लेंगे, चैन में हम एक ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे, फिर नेक्स्ट वाली डबल क्रोशिया में एक ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे, ये देखिए, फिर दो चैन लेंगे, नेक्स्ट वाली डबल क्रोशिया में ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे, फिर दूसरा ट्रिपल क्रोशिया, फिर दो चैन लेंगे, फिर नेक्स्ट वाली में यहाँ हमें एक भी डबल क्रोशिया गैप नहीं करनी है, दो ट्रिपल क्रोशिया, दो चैन, दो ट्रिपल क्रोशिया, दो चैन, इस तरह से हम ऐसे यहाँ तक कंप्लीट करेंगे, ये देखिए इस तरह से एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह, सोलह ट्रिपल क्रोशिया बनकर तैयार हुई हैं, पाँच चैन लेंगे, फिर से एक दो तीन चार चौथे घर में डबल क्रोशिया बनाएंगे, सात डबल क्रोशिया बनाएंगे जैसे पहले बनाई थी, सात डबल क्रोशिया, दो चैन, यहाँ हम सात डबल क्रोशिया फिर बनाएंगे, और ये वाली जो डिजाइन है हमारी यहाँ बनाएंगे, और इस तरह से इस रो को कंप्लीट करेंगे हम, ये देखिए फ्रेंड्स, ये पूरी डिजाइन कंप्लीट हो गई है, पलटेंगे, ये देखिए पलट कर मैंने यहाँ तक बुना है सात डबल क्रोशिया,
इसके बाद हम दो चैन लेंगे डबल फंदे के साथ, एक ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे, एक दो, तीन चैन लेंगे, फिर से डबल फंदे के साथ ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे, फिर से ये देखिए फिर से तीन चैन, नेक्स्ट वाली में ये देखिए इस तरह से फ्रेंड्स इसे पूरा यहाँ तक कंप्लीट करेंगे हम। ये देखिए फ्रेंड्स दो चैन लेंगे, एक दो तीन, छोर चौथे में डबल क्रोशिया अपनाएंगे, एक दो, यहां टोटल हम 10 डबल क्रोशिया बनाएंगे, ये देखिए इस तरह से फ्रेंड ये वाली डिजाइन फिर से हम यहाँ बनाएंगे और इस तरह से इस रो को कंप्लीट करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स ये राउंड हमारा पूरा कंप्लीट हो गया है, पलटेंगे, दो चैन देंगे, छह डबल क्रोशिया बनाएंगे, देखिए चैन देंगे, एक दो चैन, दो फंदे के साथ ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे, एक दो ट्रिपल क्रोशिया, चैन लेंगे, यहाँ पांच चैन हमने ली है, फिर से नेक्स्ट वाले में ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे, ये देखिए ये पांच चैन, फिर जैसे यहाँ हमने बनाई है नेक्स्ट वाले में दो ट्रिपल क्रोशिया, फिर पांच चैन लेंगे, फिर ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे, इसमें पांच चैन लेंगे, फिर दो ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे, पांच चैन, फिर इसी में ट्रिपल क्रोशिया, ये देखिए फ्रेंड्स इस तरह से हम इसे यहाँ तक कंप्लीट करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स फिर से हम दो चैन लेंगे जैसे इधर हमने लिया था, एक दो तीन, चौथे घर में बुनेंगे, दो तीन, चार, फिर से दो चैन, फिर नेक्स्ट वाली में हम ये वाली डिजाइन बनाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स ये पूरा कंप्लीट हो चुका है, अब हम यहाँ पर इसको कट करेंगे और इसे
इस साइड से बुनना चालू करेंगे। सिंगल क्रोशिया देंगे, ये लास्ट तक हमने सिंगल क्रोशिया दी। अब इसमें हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक दो तीन चार ये पांच, एक दो तीन चैन देंगे, एक स्लिप स्टिच बनाएंगे, फिर से हम चार डबल क्रोशिया इसमें बनाएंगे, एक दो तीन और ये चार। ये देखिए फ्रेंड्स, अब इन दोनों ट्रिपल क्रोशियाओं के बीच में हम इसे स्लिप स्टिच के साथ अटैच करेंगे। ये देखिए, फिर नेक्स्ट वाले में हम डबल क्रोशिया बनाना स्टार्ट करेंगे, पांच तीन चैन देंगे, फिर से चार डबल क्रोशिया चार। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हम ये पूरा राउंड कंप्लीट करेंगे यहाँ तक। ये देखिए फ्रेंड्स, ये फूल हमारा कंप्लीट हो गया है। बीच में इसे यहाँ चारों डबल क्रोशिया के बीच में अटैच करेंगे, फिर सेम प्रोसेस डबल क्रोशिया बनाएंगे हम, जैसे ये बनाई थी हमने यहाँ भी बनाएंगे और इस तरह पूरे तोरण पट्टी में हम बनाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये डिज़ाइन हमारा कंप्लीट हो गया है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये पॉम पॉम से मैंने इसे डेकोरेट किया है, इसमें मैंने 9 मोती और के साइड वाले में 7 मोतियाँ लगाई हैं। इस तरह ये तोरण हमारा बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स, और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ये तोरण का डिज़ाइन आपको कैसा लगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।